Uh, to this first Australia-India Leaders Virtual Summit today. I wish I could be there for uh, what has become the famous Modi Hug and, uh, while not, uh, and be able to share my samosas, which I thank you for. It, uh, we had a bit of fun with that on the weekend. So next time uh, it'll have to be the Gujarati Kishti, which I know is a, a keen favourite of yours and you've mentioned to me before. So I'll try that out in the kitchen next time we, before next time we meet in person. एक्सलेंस ही <laughs> मुझे बहुत खुशी हुई और आपका समस्या तो भारत में का विषय बना हुआ है और जब आपने खिचड़ी की बात कही तो गुजरात के लोग तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया में भी, भी बहुत गुजराती परिवार रहते हैं उनके लिए तो और खुशी की बात होगी लेकिन मजा यह है कि खिचड़ी एक प्रकार से हमारे देश में पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में एक कॉमन uh, वैरायटी के रूप में है नाम अलग अलग है लेकिन बहुत पॉपुलर है लेकिन मुझे खुशी होगी आपके साथ इसको एन्जॉय करने का एक्सलेंसी आपके उत्साह और विश्वास से भरे शब्दों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं एक मित्र के नाते मेरा आपसे आग्रह है कि स्थिति सुधरने के बाद आप शीघ्र सपरिवार भारत यात्रा का प्लान करें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें एक्सलेंसी भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध विस्तृत होने के साथ साथ गहरे भी हैं और यह गहराई आती है हमारे शेयर्ड वैल्यूज शेयर्ड इंटरेस्ट शेयर्ड ज्योग्राफी और शेयर्ड ऑब्जेक्टिव से पिछले कुछ वर्षों में हमारे सहयोग और तालमेल में अच्छी गति आई है यह सौभाग्य की बात है कि हमारे संबंधों की बागडोर का एक छोर आप जैसे सशक्त और विजनरी लीडर के हाथ में है मेरा मानना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और सशक्त करने के लिए यह परफेक्ट समय है परफेक्ट मौका है अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए हमारे पास असीम संभावनाएं हैं ये संभावनाएं अपने साथ चैलेंजेस भी लाती हैं चैलेंजेज की किस तरह इस पोटेंशियल को वास्तविकता में ट्रांसलेट किया जाए ताकि दोनों देशों के नागरिकों बिजनेसेस, एकेडमिक्स रिसर्चर्स इत्यादि के बीच लिंक्स हो और जो और मज़बूत बने